हम लोग के यहाँ कैसे मछली तला जाता है, इधर मछली तल रहे हैं और इधर मसाला भूज रहे हैं। मसाला अभी लाल होने में थोड़ा बहुत वक्त है, देखिए किस तरह थोड़ा सा चिपक रहा है, अभी और चिपकेगा। आज इसको हम बना रहे हैं इतना मत, और अभी इसको तलने में थोड़ा टाइम, अभी लाल नहीं हुआ है और अभी इसको भी रखे हैं, अच्छा इससे दूर रही क्योंकि ये भड़क सकता है। देखिए पलटा तल रहे हैं धीरे धीरे, आवाज़ कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा और जब हो जाएगा लाल हो जाएगा तो खाने में बहुत मस्त लगेगा, टेस्टी टेस्टी। देखिए कैसे तला रहा है, वो भी पूरा तल चुका है। मोबाइल छटक के गिर जाएगा, मोबाइल नहीं भड़कने वाला। देखिए ये मेरी सिस्टर है जो बना रही है, लेकिन बहुत डरती है बनाते हुए, कहीं भड़क उड़क ना जाए। देखिए बढ़िया दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे हम देखिए इसको बनने के बाद। फिर यहाँ पे टमाटर काट के रखा गया है, ये 100 ग्राम टमाटर होगा और ये 5-10 रुपये का धनिया है, और फिर यहाँ पे ये 1.5-2 किलो ले मतलब मछली है, और यहाँ पे मसाला मतलब 200 ग्राम सरसों वरसों है और सब करके, अभी और मसाला होने के बाद तब डाला जाएगा और सब देखा जाएगा। इसमें देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा भूखा मिर्चा डाला है, फिर इसमें थोड़ा सा मसाला है, नमक हल्दी सब मिक्स करके बढ़िया से इसको मिला लिया गया है, फिर तला जा रहा है। तलने के बाद से इसको इसमें डाल दिया जाएगा, डालने के बाद से तब इसमें पानी डाल दिया जाएगा, पानी डालने के बाद जब तैर जाएगा ऊपर, फिर उसको उसमें ये धनिया डाल दिया जाएगा और बहुत बढ़िया से हो जाएगा, फिर इसको हम लोग खा लीजिएगा और काटा निकाल के आपके घर भेज दिया जाएगा। धनिया का मटर थोड़ा मस्त लग रहा है, देखिए थोड़ा भाप उड़ रहा है मतलब पक रहा है, थोड़ा चला देते हैं बढ़िया हो जाए। देखिए सटने लगता है जब जल जाता है, यानी कि जानिए ये पूरा नहीं तल पा रहा हमसे, इसलिए तल रही है। तो ये भी आधा हो चुका है, देखिए लाल लाल हो गया, अभी एक निकाल के हम खाएंगे अभी घर में बैठ के।